जी तो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुशनुमा रखे, हंसते मुस्कुराते आबाद रखिए। तो आज मैं मौजूद हूँ जी तेल वाले बोलू पे। तेल वाला बोलू आप सब जानते हैं, सरसों का तेल सर के बालों के लिए बहुत मुफीद है और अक्सर ये लोग जो फिश फ्राई करने के लिए वो भी इसको जो है इस्तेमाल किया जाता है। तबीयत से ठीक है धनी? अच्छा 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 जी, अज असी गोलू का तेल जरा निकलता कह रहे हैं तो सरों तुम कि भाव मिलती है अज असी अपने व्यूवर दसना चाहते हैं तो ये दसना चाहिए तुम दसना जी अपनी वीडियो कि तुम कि देर चो ये तेल का काम कर रहे हो? असी जी मैं जी 15-16 साल हो गए। 15-16 साल हो गए तुम काम कर रहे हैं तो ये मसला मेरे सरों होना जिन्हें साल चलिया महंगाई गया सब मसला सस्ता नहीं। अच्छा ये स्टार्ट दसो जो तो 16 साल पहला इतों काम स्टार्ट किया उदो ये सरों जी के रेट से तुम मिलती सी? उदो 2000 में मन मिलता। 2000 रुपये मन आज से तकरीबन 16 साल पहले ये सरसों जो है 2000 रुपये एक मन, यानी कि एक मन 40 किलो जो सरसों थी वो 2000 रुपये मिलती थी। और चाचा जी साथ साथ काम भी कर रहे हैं जी और साथ साथ उन्होंने अपना काम जो है वो जारी साथ रखना है। तो चाचा जी हूँ तुम कैसे सरों मिल रही है? हूँ ये सरों हल्की है तो हल्का पार। अच्छा तो जो सरों चंगी है तो चंगा पार, 7000 में भी है, 6000 में भी है, अच्छा 5000 में भी है, जैसी सरों वैसा पार। अच्छा वो पंजाबी में कुछ लोग जो है मेरे व्यूवर नहीं समझते, जो चाचा जी बता रहे हैं कि सरसों का एक अपना रेट है, कुछ सरसों जो है हल्की होती है, कुछ में सरसों का तेल जो ज़्यादा होता है और इसका 5000 रुपये, 7000 रुपये और 8000 रुपये इसके मुख्तलिफ जो है वो रेट्स हैं। अच्छा तो एक किलो सरसों अगर हो फिर जो कितना तेल निकलता एक किलो सरों एक मान चो कि औसत निकलती नौ सेल भी निकल आती जैसी सरों भी उसका तेल निकलना, अच्छी सरों में जी अच्छा तेल, माड़ी सरों में माड़ा तेल। अगर चंगी सरों हो तो एक मण के कितना तेल निकल? 10 सेल भी निकल आता, 11 सेल भी निकल आता, 10 से 11 सेल भी तेल निकल आता है। और तेल का रेट की इस टाइम चल रहा है असल सही तेल दे रहे हैं? 500 रुपये किलो रेट इसका जी, 500 रुपये पर केजी जो अच्छा और खालस सरसों का तेल है आपको पता है आपको गांव में से ही मिल सकता है। और इसमें चाचा जी मिलावट भी होती है, ज़रा मुझे ये भी आज बताइए क्या तेल में मिलावट भी होती है? ऐसी नहीं करते जी। अगर तेल च मिलावट होंगी तो वो किस चीज़ की मिलावट करते हैं? असी नहीं करते नहीं ना सानू पता जी जी असी करिए दसिए भी आ मिलावट करने चाचा जी बता रहे। अच्छा होती है वैसे हो जावे जी पता नहीं जी करते नहीं करते असी चाचा जी कह रहे हैं कि असी तेल चाय तीकर मिलावट नहीं करते क्योंकि यहाँ पर लोग मैं देखा है कि लोग आते हैं और यहाँ पर जो तेल निकलता है और साथ साथ जो है तेल चाचा जी सेल करते रहते हैं। एक बोतल जो है मैंने भी यहाँ से ली है और मैंने हाफ के जी लिया था 250 का और चाचा जी का रेट जो है सबके लिए सेम है और थोक का रेट है, थोक का रेट होगा ना मसला में गड्डियों का टैंकर अच्छा यानी कि टैंकर्स को आप तेल देते हैं बड़े बड़े किलो के हिसाब से देने मसला में अभी जो थोक का हिसाब है ना भैया 200 मन का 100 रुपये तो अभी 100 ही चल रहा जो अभी 500 है तो 500 ही। अच्छा अच्छा थोक के हिसाब से देते किसे थोक में कहते हैं जिसे होलसेल रेट कहा जाता है यानी कि होलसेल में देते हैं 500 रुपये पर के जी लोग यहाँ से ले जाकर जो है वो तो वो क्या करते हैं जी आगे जो है इसका प्रॉफिट लेते हैं और उसमें तेल जो खालस में कहकर जो है वो सेल करते हैं। मैं
ये जी एक बुज़ुर्ग अभी तेल निकाल रहे हैं जी, और यही चाचा जी इधर काम करते हैं तेल। ये आहिस्ता आहिस्ता ये खल निकल रही है, ये देखें आप, देख रहे हैं खुशक, बिल्कुल खुशक ये देखें। और यहाँ से ये दोबारा फिर उसको उठाकर ये देखें डाल दिया जाता है। ये इधर से ये मशीन आप देख रहे हैं, ये तेल जो है वो यहाँ से खुशक हो के खल जो बनौला, ये देखें खालस सरसों का तेल आपको इधर से ही अवेलेबल हो सकता है। दिखाता जो नहीं आए आपको दिखाते हैं यहाँ से जो देख रहा है, जैसे ये देखिए ये मशीन की तरफ कैमरा करें, यहाँ से जो है वो सरसों ऊपर से डाली जाती है, यहाँ से कोलू जो है उसको मिक्स कर रहा है साथ साथ, और इसके ऊपर वो देखें जो बड़ा सारा पंखा चला। चाचा जी उन्होंने की कहते हैं बड़े पंखे जो व्हील है, व्हील कहते हैं जी उसको, कहते हैं जी व्हील साथ साथ, वो सामने लगा हुआ है काफ़ी बड़ा व्हील है, उसको मैं नज़दीक जाकर आपको दिखाता हूँ। आ जाए ये देखें जी, ये इसका व्हील है जी, तो यहाँ से ये देखिए ड्रमों के हिसाब से तेल दिया जाता है। यहाँ पर ये चाचा जी ने ड्रम भी रखे हुए हैं, जब फिल कर लिया जाता है इसमें भर देते हैं। साथ में सरसों भी आपको दिखाते हैं जी, सरसों कैसी होती है। ये है जी सरसों, सरसों दिखाएं जी जरा, ये दिखाते हैं जी आपको सरसों, ये देखें इसके बारीक से दाने। ये देखिए यहाँ पर चाचा जी कह रहे हैं जी मैं असल जो है वो सरसों लेता है, ये बनौला है जो उसका निकलता है। ये देखें ये जानवरों को जो है वो डाला जाता है, इसे जानवर क्या है जी दूध ज़्यादा देते हैं, तो ये है जी सूखा बनौला कहते हैं ना जी, जी बनौला, यानी कि कह लें ये काफ़ी ऑयली सा होता है, और जब ये भिगो दिया जाता है कह लें बड़ी अच्छी चीज़ है जानवरों के लिए। तो ये साथ में अब ये देखें साथ में सरसों, ये देखें तो नेक्स्ट ये देखें काफ़ी यहाँ पे जमा की हुई है चाचा जी ने, तो ये ऊपर तक लगा हुआ है, तो ये आपको दिखाते हैं, इसके बाद आपको तेल भी दिखाते हैं मेरे साथ आएंगे। ये काफ़ी गर्म है क्योंकि ये तो बिल्कुल फ्रेश यहाँ से निकल रही है, ये देखो यहाँ से निकल रही है, ये तो ये बिल्कुल काफ़ी गर्म है चाचा जी, इसको भी दोबारा उठा उठा कर जो है वो यहाँ पर ये तीन दफ़ा बांधे इनको जो है वो तीन दफ़ा जो है वो दोबारा से दोबारा डाला जाता है। ये देखिए मेरे हाथ ऑयली हो गए, ये तेल आप देख रही हैं, देखिए इसको तीन दफ़ा है जो वो डाला जाता है यहाँ, तो यहाँ पे जो तेल गिर रहा है। अच्छा इसका तेल जहाँ से निकल रहा है वो किधर है चाचा जी, यहाँ से जी ये देखें मैं कोलू के बिल्कुल अंदर आ चुका हूँ, मशीनें चल रही हैं, ये देखें ये ऑयल निकल रहा है, ये देखें ये यहाँ पर ये देखें ये है जी खालिस सरसों का तेल। यहाँ पर ये देखें चाचा जी यहाँ पर तेल जो है वो लिया जाता है, ये बच्चे ये देखें तेल लेने आ चुके हैं जी। आज का जो कोलू वाला आपको साथ मैंने ब्लॉग आपके साथ शेयर किया, तो चाचा जी अभी पीछे काम कर रहे हैं जी मशीन पे, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। सो मुझे दीजिए नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए इजाज़त, अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते आबाद रहिए, अल्लाह के बाद अल्लाह हाफिज़।